हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन टू ए एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में टॉक बैक की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको ना टॉक बैक की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको अपने मोबाइल फोन को कंट्रोल कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जब कभी ये देखिए मैं अपने मोबाइल फोन में ऐप को जो है टैप करूँ तो ऐप ओपन नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ग्रीन लाइन आ जा रही है। तो अपने मोबाइल फोन को कंट्रोल करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है ना, इसे आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए आपको अपने किसी भी हाथ के ना दो उंगलियों का एक साथ यूज करना है, ऐसे, तब जाके फोन की स्क्रीन काम करेगी। और देखिए दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में कोई सा भी ऑप्शन अगर आपको चालू या बंद करना है तो पहले उस ऑप्शन पे एक सिंगल टैप करना है ऐसे, फिर उसी ऑप्शन पे डबल टैप करना है ऐसे, तब जाके वो ऑप्शन आपका चालू या बंद होगा जो भी आप उसे करेंगे, ठीक है। तो इन दो तरीकों से पूरे फोन को कंट्रोल कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं टॉक बैक का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है, तो ये सेटिंग का ऐप टैप कीजिए। अब इस पर डबल टैप करना है तो आपका ये सेटिंग का पेज आएगा। अब इसको दो उंगलियों से ऊपर करना है, ठीक है। तो आपको नीचे की साइड ये एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन टैप करना है, अब इस पर डबल टैप करना है तो ये पेज आएगा। इसमें आपको टॉक बैक का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अब इस पर डबल टैप करना है तो ये पेज आएगा। इसमें आपको नीचे यूज टॉक बैक के सामने जो बटन है इसे टैप करना है, अब इस पर डबल टैप करना है तो आपका ये पेज आएगा। इसमें स्टॉप का ये बटन टैप करना है, अब स्टॉप पे डबल टैप करना है तो आपका ये जो बटन है ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से आपकी टॉक बैक की प्रॉब्लम भी जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।